और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया में और बहुत ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन शर, आप देख रहे हैं नवीन टॉक्स। तो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं उस अजीब से प्रजाति के बारे में जिसे दुनिया खत्म हो जाए या फिर अर्थक्वेक आ जाए या फिर प्रलय आ जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, बस उन्हें टिकटॉक चाहिए। ये टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में, बैन हो गया नोनू। ओए नोनी, ने टिकटॉक बैन हो गया? नोनू, नोनी टिकटॉक बैन। कैसी है अनहोनी, हर रात हुई रम, छोड़ गया जो तू कैसे जी। इतना नाटक लाते कहाँ से हो भाई, मतलब इस लड़के को देखकर लगा कि ये टिकटॉक बैन से नहीं कुपोषण का शिकार होकर गिर गया। और टिकटॉक में ये लोग इतना घुस चुके हैं कि अब इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये देश के लिए हुआ है या फिर और कोई रीजन से, बस इन्हें टिकटॉक चाहिए। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट मित्रो पता नहीं कौन से टिकट्रो एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। चलो बाय बाय हॉल फ्रेंड। पागल लड़की रो रही है, टिकटॉक बैन हो रहा है, न्यूज में सुना है तो रो रही है, बुद्धू लोग की तरह, छोटे बच्चों की तरह। हाँ तो टिकटॉक बंद हो रहा है ना, तो सब लोग खुश हो कि टिकटॉक बंद हो रहा है, जाओ बाय। और अब इस दीदी को कौन समझाए कि टिकटॉक किस लिए बैन हुआ, किस रीजन से बैन हुआ। और मोदी जी इनके जीजा थोड़ी ना जो एक इंडिविजुअल के लिए फैसला लेने वाले हैं, मतलब हद है पागलपन की। और ये लोग फेमस होने के लिए कई तरीके की टेक्निक्स अपना चुके हैं, जिसमें जोकर बन गए, आशिक भी, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, और बीमार भी। इसे लीकेज की प्रॉब्लम है, इसे बाथरूम जाने की जरूरत है। अब तो सोचने का टाइम भी गया और मतलब आप कोई डिसीजन भी खुद से नहीं ले सकते क्योंकि टिकटॉक तो बैन हो चुका है, घंटा फर्क पड़ने वाला है किसी को। बट हमारे जैसे रोस्टर्स को दिक्कत होने वाली है क्योंकि अब उन्हें कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो ये लोग अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी आने की बात कर रहे थे। क्या भाई, क्या दिक्कत है? आनी तू बोल रहा है ना कि हाँ भैया, आप तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तुमको कुछ खा कोई डालेगा नहीं, दाना नहीं डालेगा। तो भाई एक बात मेरी ध्यान से सुन ले कि यहाँ पर जो आया हूँ ना, ये किसी के दम पे नहीं आया हूँ, मैं अपने दम पे आया हूँ। और इतनी बात ना तो तेरे जवाब, मैंने तेरी बात का जवाब यूट्यूब पे दिया है, वहां जाके देख। तो अब उनको भीख मांगने का नया तरीका ही मिल गया है, वो लोग अपने वीडियोस में डायरेक्ट मेंशन कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज या फिर यूट्यूब चैनल को। और अब आते हैं अपने अलग बीमारी फैलाने वाले ग्रुप पर, तो जो कि है टीम नवाब। और ये लोग हमेशा झुंड में ही वीडियोस बनाते हैं। ओ सॉरी, गलत वीडियो प्ले हो गया। इनका फैशन सेंस तो क्या बोले, मतलब बता ही नहीं सकते आपको कैसा है, बहुत ज़्यादा लाजवाब है। और इस सज्जन को तो देखिए आपकी, ये तो लेदर जैकेट के साथ में टॉवल ओढ़ के रखे हैं, जो कि खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। वाह भाई वाह। और इनकी टट्टी देखकर तो आजकल कई बच्चे भी वीडियोस बनाने लगे और मतलब टिकटॉक में इन्वॉल्व होने लगे थे बहुत ज़्यादा। और अच्छा ही हुआ कि टिकटॉक बैन हो चुका, अब हमें इनकी टट्टी नहीं देखनी पड़ेगी। अभी तो इंडिया में कई लोग बेरोजगार भी हो गए हैं और बहुत रो रहे हैं और बिलक रहे हैं रो रो कर। इनकी स्ट्रगल भी बहुत लाजवाब है। आप स्टार्ट। आप देख ही सकते हैं कि ये अपनी फैमिली को पूरा इन्वॉल्व कर लेते थे वीडियोस में। लेकिन अब जब हमारी बात आती है तो अगर हमें अगर कोई अभी भी बोले कि अपने फैमिली के सामने नाच कर दिखाओ, तो हम शर्मा जाते हैं और नहीं नाच पाते।
पता नहीं कौन से प्लैनेट से ये लोग आते हैं और टिकटॉक में बस जाते हैं। एक बार मैंने भी घर में ऐसे ही टिकटॉक बनाने की बात की थी तो मेरे साथ में ये कुछ हुआ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।